हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रेन क्यू। तो रिसेंटली पेट्रोलियम फील्ड में इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जहां 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को प्रोड्यूस किया गया, जिसे नवंबर तक अचीव करने का टाइमलाइन दिया गया था। इस पर मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया हैज सेव्ड ओवर 41,000 करोड़ ऑफ फॉरेक्स यूजिंग 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या एथेनॉल इंडिया के एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एथेनॉल के बारे में देखें तो ये एक कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है, जिसे शुगर के फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। आज के समय देखें तो कई कंट्रीज में एथेनॉल की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, बिकॉज ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल है जो इजीली मिल जाता है। इससे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम होने के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इम्प्रूव करेगा। सो बेसिकली 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अचीव करने का टारगेट नवंबर 2022 तक था, लेकिन स्टेट ओन्ड कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एफर्ट से 10% टारगेट 5 मंथ्स पहले ही, दैट इज जून में ही अचीव कर लिया गया। दूसरी तरफ 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का टारगेट अचीव करना अब 2025 तक कर दिया गया है। चैलेंजेस की बात करें तो ब्लेंडिंग टारगेट्स को फुलफिल करना एक टफ टास्क होगा, जिसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। 2018 तक फ्यूल ग्रेड एथेनॉल को प्रोड्यूस शुगर केन से किया जाता था, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ शुगर सिरप, बी और सी, हैवी मोलासेस, राइस और कॉर्न से भी प्रोड्यूस होने लगा। अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया मोस्टली गल्फ कंट्रीज जैसे कि इराक और सऊदी अरब, अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया और यूएसए पे डिपेंडेंट है, जिसके लिए इंडिया ने अराउंड $62.2 बिलियन स्पेंड किए। वर्ल्ड लेवल पे देखे तो एथेनॉल को मोस्टली कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएस, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन और चाइना। जैसे जैसे इंडिया में एथेनॉल की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगी, टाइम के साथ बाहर से देशों से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना भी कम होगा। एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अचीव किया जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के अराउंड $4 बिलियन एनुअली सेव होंगे। अब एक सवाल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से क्या बेनिफिट होगा इंडिया को? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एथेनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का यूज करने से कार्बन एमिशन 30-40% कम होगा, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज भी कम होगा। सेकेंडली, इंडिया जो एक मेजर ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री है, हेल्प करेगा इंडिया को अपनी फॉरेन करेंसी को सेव करने के लिए। और रिसेंटली 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंडिया ने अराउंड 41,000 करोड़ रुपीज सेव किए, जो बाकी डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज होंगे। लास्टली, जियोपॉलिटिक्स के लेंस से देखें, जहां रशिया यूक्रेन क्राइसिस से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक गोल्डन चांस होगा इंडिया के लिए, जहां फ्यूल डिपेंडेंसी कम होने के साथ अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट भी कर सकेगा। इफ़ यू एंजॉय द कॉन्टेंट, please like and subscribe, and I'll see you next time. Thank you.